चल रही है सब लोगों की स्टडी। चला हम ईएमआई के जो इम्पोर्टेंस जो फार्मूले है बेसिक लेवल पे जो भी फार्मूले है उस फार्मूले पे हम आज बात करने वाले हैं थोड़ी, और उसके बाद में जो भी एमसीक्यूज है इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज बहुत इजी होते हैं लेकिन प्रैक्टिस ना होने के कारण बच्चों बहुत सारे घबर जाते हैं, मतलब यहाँ पे घबराहट होती है और बोलते हैं कि सर मुझे नहीं आ रहे मुझे नहीं आ रहे, थोड़ा लेंथी चैप्टर लगता है, फार्मूलेज बहुत ज्यादा है लेकिन वेटिंग भी ज्यादा है, ये भी सोच लो ना, ठीक है। तो ईएमआई के ऊपर हम लोग इस पे मिनिमम 2-3 क्वेश्चन आने के चांसेस है स्टूडेंट, 2 या 3 क्वेश्चन आ सकते हैं इसमें। तो फार्मूले बहुत इजी है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर में हम लोग मैक्सिमम मार्क कवर करने की पॉसिबिलिटी होती है बच्चों, ठीक है। तो हम इसी के थ्रू थोड़ा इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। देखो पहले मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फार्मूला है हमारे पास बी ए कॉस थीटा, बी मैग्नेटिक इंडक्शन एरिया और कॉस इसका एंगल कितना है, ये में अगर निकालना है तो यन डी फाई अपॉन डी टी, यन मतलब नंबर ऑफ टर्न कितने है, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट टाइम है। अगर आपको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है, कौन सा यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स अगर सेल्फ इंडक्टेंस का निकालना है तो यल आई, यल इज द सेल्फ इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट है, आई इज द करंट के ऊपर डिपेंड है। अगर सेल्फ इंडक्टेंस का आपको फार्मूला होना ईएमएफ निकालना है तो ई इज इक्वल टू यल डी आई अपॉन डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल्स मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जब हम पढ़ते हैं है ना, दो कॉइल्स होते हैं यहाँ पे तो इस कॉइल पे ऐसे रहते हैं ना, अपने पढ़ा होगा। तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द सेकेंडरी कॉइल एम एस कोएफिशिएंट्स ऑफ कांस्टेंट है और प्राइमरी कॉइल में कितना करंट है, तो इसका ईएमएफ निकालना है तो हम लोग ईएमएफ के लिए फार्मूला बना रहे हैं। यहाँ पे देखो सेल्फ इंडक्टेंस का जो सेकेंडरी कॉइल का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ई एस इज इक्वल टू एम डी आई अपॉन डी टी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ करंट निकालना तो एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर ट्रांसफार्मर के थ्रू हमको अगर सेकेंडरी का ईएमएफ और प्राइमरी का ईएमएफ निकालना है, फार्मूला सेम है बच्चों, यहाँ पे फार्मूला कैसे है यहाँ पे सेम है लेकिन यहाँ पे ओनली प्राइमरी रहा तो पी लगाना है, सेकेंड रहा तो यस लगाना है, बस यन एस डी फाई अपॉन डी टी, मतलब फार्मूला यही बच्चों, फार्मूले में कोई चेंजेस नहीं है। थोड़ा दिमाग लगा के आपको लग रहा है कि सर ने पूरे बोर्ड में तो फार्मूले लिख के रखे कैसे लर्न करें, इतने लर्न करने की जरूरत नहीं होती है स्टूडेंट, थोड़ा यहाँ पे दिमाग लगा। देखो ये सभी फार्मूले एक जैसे लग रहे, ओनली आपको सेल्फ इंडक्टेंस है, म्यूचुअल इंडक्टेंस है, ट्रांसफार्मर है, क्या है ये सोचो और फार्मूले लर्न करो। देखो 1, 2, 3, 4, 5 है ना, सभी फार्मूले एक जैसे लग रहे, तो प्राइमरी रहा तो पी और सेकेंड रहा तो यस, ट्रांसफर रेशियो सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न डिवाइड बाय प्राइमरी कॉइल के, इफिशियंसी मतलब क्या, आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। पावर का फार्मूला क्या है हमारे पास, पावर का एक्चुअल में ई आई लिखते हैं वी आई, तो हम यहाँ पे ई आई लिखेंगे बस। तो आउटपुट पावर मतलब क्या होगा, फिर सेकेंडरी कॉइल होती है ना आउटपुट पावर में, प्राइमरी इनपुट में होती है, तो बस इनपुट पावर डिवाइड बाय आउटपुट पावर, इनपुट पावर होती है प्राइमरी कॉइल, आउटपुट होती है सेकेंडरी। फॉर द आइडियल ट्रांसफार्मर रहा तो हम देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ने से ईएमएफ बढ़ता है, करंट घटता है, कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन। ऐसा क्यों, तो देखो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से लेंथ बढ़ेगी, लेंथ बढ़े तो नंबर ऑफ टर्न यहाँ पे बढ़ने से यहाँ पे क्या होगा, करंट कम होगा, पता है ना लेंथ बढ़ने से करंट कम होता है, ओम्स लॉ पढ़ा होगा आपने है ना। तो नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से प्राइमरी कॉइल, अगर नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से करंट कम होता है लेकिन ईएमएफ बढ़ता है, जितने नंबर ऑफ टर्न ज्यादा उतना ईएमएफ ज्यादा होता है। तो देखो ईएमएफ और नंबर ऑफ टर्न का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन लेकिन करंट का इनवर्सली है, तो ध्यान रख देना है हम लोग ईएमएफ नंबर ऑफ टर्न एंड करंट का अगर रेशियो लेते हैं तो इस बात पे फोकस करना बहुत जरूरी है। ये ईएस ईएमएफ ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल लेकिन करंट प्राइमरी कॉइल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। इसी से बच्चों हम स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफर के ऊपर चर्चा कर सकते हैं, कैसे, जितने नंबर ऑफ टर्न्स
अगर यहां पे सेकेंडरी कॉइल के ज्यादा हो प्राइमरी कॉइल से तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है ना। ट्रांसफार्मर पता है ना, देखो ये हो गए प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है तो इसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं, क्योंकि हमको ईएमएफ ज्यादा होना चाहिए तो करंट कम मिलता है। बात समझ में आ रही है? नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी कॉइल ज्यादा मतलब स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और ईएमएफ भी ज्यादा लेकिन करंट कम। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो होता है बच्चों वो प्राइमरी कॉइल के ज्यादा नंबर ऑफ टर्न और सेकेंडरी के कम, तो नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा सेकेंडरी, तो ये होगा स्टेप अप और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। समझ में आ रहा है बच्चों? कोई टेंशन है? चलो इसके बाद में हम लोग देखने वाले हैं यहां पे ईएमएफ इंड्यूस इन द स्ट्रेट कंडक्टर रहा अ ट्रांसलेशन मोशन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड होता है तब ईएमएफ होता है। बी एल वी मैग्नेटिक इंडक्शन, लेंथ ऑफ कंडक्टर, वी इज द वेलोसिटी। इंड्यूस ईएमएफ इन रोटेटिंग कॉइल रहा, अपने डायग्राम देखी होगी ना इसे, देखो है ना, वही तो ये, तो ये यहां पे एंगल होता है थीटा, तब ईएमएफ होता है यन नंबर ऑफ टर्न ए बी ओमेगा, डब्ल्यू नहीं ओमेगा, साइन ओमेगा टी। तो ओमेगा होता है रिलेशन बिटवीन, पता होना चाहिए टॉइस पाई एन लिखते पेपर फर्स्ट में, मैंने ऐसे पढ़ाया था, यहां पे टॉइस पाई एफ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? टॉइस पाई एफ। दिखाई तो दे रहा बच्चों आप लोगों को? कोई टेंशन तो नहीं आ रही है? ओके तो देखो यहां पे एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, कुछ नहीं, इस ओमेगा की वैल्यू टॉइस पाई एफ रखा है, बस वही फार्मूला है, कोई टेंशन नहीं, मतलब ये फार्मूला ऑफर है। इंड्यूस करंट मतलब क्या है? EMF divided by resistance. लेकिन E की वैल्यू थी E naught sin omega t by R. ओम्स लॉ ना, सीधा सीधा हम लोग लिखते हैं ना V by R, वैसे E by R, तो E sin omega t by R. E by R मतलब I करंट के फार्मूला, तो I naught का है I naught sin omega t. EMF of rotating coil. बस वही है, करंट था I is equal to I0 sin omega t, तो EMF E is equal to I0 sin omega t, सेम है ना I और E में। फॉर एसी सर्किट विथ रेजिस्टेंस रहा, तो यहां पे हम लोग देखो एवरेज पावर निकाल रहे, तो E नॉट I नॉट डिवाइड बाई टू, क्या इस टू को रूट ऑफ टू रख सकता हूं मैं? ये टू को E नॉट देखो डिवाइड बाई रूट ऑफ टू टू ही मिलता है, लेकिन E नॉट रूट ऑफ टू मतलब E आरएमएस और ये आई आर, रूट मीन स्क्वायर ऑफ ईएमएफ, रूट स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर करंट है। क्या बच्चा हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं? आपको पता है E मतलब आई आर होता है, होता है कि नहीं? E की वैल्यू आई आर होती है कि नहीं? तो I मल्टीप्लाई आई आई स्क्वायर आर, कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं E स्क्वायर बाय आर, हाँ इसको आर स्क्वायर करो डिवाइड बाय आर करो, तो E स्क्वायर डिवाइड बाय आर, तो इंस्टेंटेनियस ई आर वही फार्मूला है पावर का, तो ये भी आप लोग देख सकते हो। देखो थोड़े आपको फार्मूले लर्न करना पड़ेगा बच्चों, जितने मैक्सिमम लर्न फार्मूले करोगे उतना आपका फायदा हो जाएगा। और कुछ फार्मूले से स्टूडेंट देखो अपने जो रिएक्टेंस इंडक्टर का रिएक्टेंस है, ये कैपेसिटर का रिएक्टेंस है, रिएक्टेंस मतलब ना रेजिस्टेंस अपोजिशन करना करंट, तो वो मिला था मुझे ओमेगा एल, ओमेगा तो होता है टॉइस पाई एफ, होता है कि रिलेशन बिटवीन, हमने ऐसे पी वन में टॉइस पाई एल रखा था, यहाँ पे टॉइस पाई एफ रख रहे, बस कुछ नहीं इतना तो फर्क है। तो एक्स इज इक्वल टू वन बाय ओमेगा, इसका रिएक्टेंस था कैपेसिटर का वन बाय ओमेगा, तो वन बाय टॉइस पाई सी, ये सी है। इंपीडेंस क्या होता है? जो रेजिस्टेंस इंडक्टर कैपेसिटर के कारण जो भी अपोज हुआ है इसको इंपीडेंस बोलते हैं, तो ई आर एम एस डिवाइड बाय आई आर एम एस लिखते हैं। जैसे ओम्स लॉ लिखते हैं वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई मिलता है कि नहीं? वैसे तो इससे ही कंपेयर करो ना यार, इतनी टेंशन क्यों ले रहे? देखो इसको वी को ई बोला है, आई को आर, जेड को आर बोला है, ऐसे ही बोला है ना, तो इसका इंपीडेंस होता है रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। अगर मेरे पास
एलसी सर्किट हो तो, कौन सा सर्किट हो तो, एलसी सर्किट हो तो क्या करना पड़ेगा। ओके, ये एलआर सर्किट बोलेंगे पहले, एलआर सर्किट वाला तो मतलब इसको और इसको रखना, इसको हटाना है, मतलब कैपेसिटर रखा ही नहीं मैंने वहां पर, मतलब इसका ये ऐसे ये और यहां पे जो इंडक्टर से ये, तो क्या इंपीडेंस मिलेगा? तो मैंने बोला ठीक है आर स्क्वायर, ये तो जीरो हो गया, कोई फायदा नहीं इसका, प्लस एक्सएल स्क्वायर, समझ में आ रहा है। बाद में सीआर सर्किट रखेंगे, सीआर सर्किट, तो सीआर का मतलब होता है पहले कैपेसिटर रखेंगे और रेजिस्टेंस रखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, जेड इज इक्वल टू, हम काम कर सकते हैं आर स्क्वायर और ये प्लस एक्सिस स्क्वायर, माइनस पावर प्लस ही होता है, नहीं तो माइनस रखोगी, यहां पे बहुत सारे बच्चे करते हैं ऐसे। ओके, समझ में आ रहा है स्टूडेंट आप लोगों को, फेस डिफरेंस बिटवीन द एक्सएल एक्ससी एंड आर के बीच में निकालना है, तो निकाल सकते हैं पाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स एक्सएल माइनस एक्ससी डिवाइडेड बाय आर। अगर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालना है बच्चों हम लोगों को, तो 1/12 स्क्वायर रूट ऑफ एलसी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकाल सकते, वैसे पावर फैक्टर भी निकाल सकते cos pi, है ना, तो r डिवाइड बाय r स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर, है ना, रख सकते हैं ऐसे, पावर फैक्टर की भी ये फार्मूला करवा सकते हैं। तो मैं MCQs के तरफ बढ़ रहा हूं अभी, चलो नेक्स्ट, गिवन डेटा रख के रखा है मैंने, मैं क्वेश्चंस पढ़ने जा रहा हूं स्टूडेंट, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं आप लोग। मेरा पहला ही सवाल है यहां पे, रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया 0.2 मीटर स्क्वायर is lying in a magnetic field of, is lying between the magnetic field of 5×10⁻²⁰ tesla at an angle of 60° with the magnetic field. Full stop. The magnetic flux passing through this loop will be, तो यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स कितने होगा, ये मेरे लिए सवाल है बच्चों। तो हमारे पास यहां पे पहला ही फॉर्मूला मैंने लिख के दिया था बी ए कॉस थीटा, तो मैग्नेटिक फ्लक्स बी दीवाल है मेरे पास 5×10⁻², एरिया दीवाल है 2×10⁻¹, क्या मैं इसको 2×10⁻¹ लिख सकता हूं बच्चों, कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ रहा है, पॉइंट शिफ्टिंग है, cos 60, तो 5 यू गे 5×2×10⁻³ cos 60 होता 1/2, आपको लगता होगा 5×2 10 क्यों नहीं लिखा सर ने, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 थी, तो 2 से 2 मर गया, तो मैग्नेटिक फ्लक्स 5×10⁻³ वेब इतनी मुझे मिली है यहां पे। ओके, डाउट क्लियर हो गया बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से मेरे पास जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं, इफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल, इफ द फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ कॉइल चेंजेस एट द रेट ऑफ 240 वेट इन एवरी 2 मिनट्स, इन एवरी 2 मिनट्स then the induced EMF is, तो EMF कितना होगा, हमारे पास फार्मूला है d phi / dt, तो E देखो कितने सवाल इजी इजी है, मैंने आपको पहले से बता रहा हूं कि बहुत इजी सवाल 20 होंगे, 20 क्वेश्चंस होंगे जो मैं ले रहा हूं, वो 20 जो पहला लेक्चर होता है वो 20 क्वेश्चंस का होता है, दूसरा लेक्चर 20 क्वेश्चंस के लिए होता, मतलब टोटल 40 मार्क की प्रिपरेशंस के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आपको पता है मैं क्रैश कोर्स ले रहा हूं, मैं पूरे साल थोड़ी पढ़ा रहा हूं कि आपको 50 मार्क के लिए बोलने वाला हूं। डीटी टाइम है मेरे पास 120, तो 0 0 2 जा, मतलब 2 होल्ड, इतना ईएमएफ मुझे यहां पे मिल रहा है बच्चों। ओके, जो थर्ड सवाल है मेरे लिए, अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर, अ स्ट्रेट कंडक्टर ऑफ लेंथ 1.5 मीटर मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
moving in a uniform magnetic field of induction 5 into 10 raised to minus 3 Tesla perpendicular to its length. Perpendicular to its length. And also perpendicular to field, the EMF induced between the end of the conductor is, the EMF induced between the end of conductor will be. तो हम लोगों को यहाँ पे EMF बताना है. देखो बच्चों, given data पे हम लोग decide करते हैं. EMF निकालने का formula ये भी है. दूसरा ये कि straight conductor रहा तो BLV ये formula है. तो गिवन डेटा से ही समझ में आ रहा है हम लोगों को ये फार्मूला इस्तेमाल करना है कि यह करना है. देखो बी दिया ला, यल दिया ला, वी भी दिया, तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो. मैग्नेटिक फ्लक्स और टाइम दिया तो ये फार्मूला इस्तेमाल करो. मतलब हम नहीं डिसाइड करते फार्मूले, ये गिवन डेटा के ऊपर डिसाइड होता है. बी दिया ला है मेरे पास 5 × 10⁻³, यल है 1.5 और वी है 5. तो ई इज इक्वल टू यहाँ पे 25 × 10⁻³, तो 25 × 5 = 125, 25 × 1 = 25 और ये 12 कैरी आए थे तो 73 पॉइंट यहाँ पे एक छोड़ जाए ना 10⁻³ वोल्ट. तो ये मेरे पास आंसर दिवाला ये फॉर्म में है. आप बोलेंगे सर शिफ्टिंग करो, शिफ्टिंग करने की जरूरत नहीं है, आंसर इस फॉर्म में था. फोर्थ जो क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारे लिए यहां पे पढ़ने जा रहा हूं, द ईएमएफ इंड्यूस इन 1 mH, 1 mH इंडक्टर इन विच द करंट चेंजेस फ्रॉम 5 A to 3 A in 10⁻³ तब हमको निकालना है यहां पे EMF कितना होगा. क्या निकालना है? EMF कितना होगा. तो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला है DI/DT. तो E ये L वाला 10⁻³ चेंज इन करंट कितना है, फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब जो भी बड़ा होगा. तो ये 2 मिल रहा है, करंट है मेरे पास 10⁻³ से 3 कट हो गया तो 2 वोल्ट इतना ईएमएफ यहां पे मिलता. बच्चों ये सवाल इसलिए ले रहा हूं मैं पहले बहुत इजी, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आप पे है, मैं क्वेश्चन पेपर अपलोड करते रह रहा हूं, आप लोग देख लेना कि कितने कुछ क्वेश्चंस कितने इजी होते हैं. मैं नहीं बता रहा हूं कि पूरा पेपर इजी होता है, लेकिन 20 क्वेश्चन 50 में से फिजिक्स में से बहुत इजी होते हैं कि जो ये इस टाइप के होते हैं. रिमेनिंग जो 20 क्वेश्चन है वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन को थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगी, आपको फार्मूले लर्न करके वहां पे थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा. तो वो भी 20 क्वेश्चन जो नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करते रहता हूँ उसमें होते हैं, थोड़ा हार्ड लेवल पे होते हैं. पहला जो होता है वो बहुत ईजी होते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चों को ईजी से हार्ड तक लेके जाना चाहिए, है ना. मतलब पहले इजी नहीं तो पहले ही थिंकिंग मैंने बता दी कि बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड है. अगर मैं बताते रहूंगा और बहुत हार्ड एग्जाम्पल लेते रहूंगा तो आप बताओगे कि सर फिजिक्स बहुत हार्ड है, हम तो करना ही नहीं चाहते, हम तो स्किप करना चाहते हैं. ऐसे मत करो, आपको फिजिक्स में भी मैं बता रहा हूँ 8 दिन में भी हम 30-35 नंबर्स ला सकते हो अगर मेरे पूरे वीडियो देखोगे और उसके थ्रू अगर आप पढ़ाई करोगे. तो चलो नेक्स्ट 5, 6 और 7 ऐसे मैंने यहाँ पे न्यूमेरिकल लिख के रखे हैं, मतलब एमसीक्यूज, और मैं पढ़ाने जा रहा हूं बच्चों यहाँ पे. देखो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन रीड कर रहा हूं. विद द डिग्रीज ऑफ करंट इन द प्राइमरी कॉइल, विद द डिग्रीज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल फ्रॉम 2 A to 0, 2 A से 0 तक यहां पे चेंज इन करंट हुई है, मतलब DI भी लिख सकते हो उसको. क्यों? फाइनल माइनस इनिशियल, 2 से 0 गया तो 2 ही, नहीं तो लिख सकते हो 2 A, तो 2 ही मिलने वाला है ना, क्या फर्क हो रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने जा रहा हूं. 0.01 सेकंड, द ईएमएफ जनरेटेड इन सेकेंडरी कॉइल, द ईएमएफ जनरेटेड इन सेकेंडरी कॉइल इज 1000 वोल्ट.
द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल इज, तो यम कितना होगा, ये हमारे पास सवाल है। क्वेश्चन बहुत इजी है देखो, कुछ ही नहीं देखो, ठीक है। E इज इक्वल टू यम डी आई अपॉन डी टी, मुझे यम निकालना है, तो E डी आई अपॉन डी टी, क्या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, डी टी अपॉन डी आई। तो E है मेरे पास EMF, वो है 1000 मतलब 10^3, करंट टाइम है मेरे पास 10^-2 डिवाइड बाय डी आई करंट टू, तो हम लोग जानते हैं कि 10^1 ही बाकी है, 3 में से 2 गए 1, 10^ है ना, तो डिवाइड बाय 2, तो 5 हेनरी, इतना यहाँ पे हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस यहाँ पे मिल रहा है। बहुत इजी सवाल था, आप लोगों को दिखाई तो दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं जा रही है। चलो नेक्स्ट 6 नंबर का जो सवाल है मेरे पास, सवाल पढ़ने जा रहा हूं, देखो, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट एसी मतलब, ओके, द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एट विच 1 मिली हेनरी, सॉरी हर्ट्ज नहीं हो, हेनरी, और स्मॉल एम लिखना चाहिए था, मिली हेनरी, इंडक्टर हैज द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, तब रेजिस्टेंस 1 ओम है तो ओमेगा निकाल, तो इंडक्टर रिएक्टेंस है इंडक्टर का, रेजिस्टेंस है इंडक्टर का, रिएक्टेंस मतलब है ना, तो ओमेगा ये लिया फार्मूला है, तो ओमेगा इज इक्वल टू एक्सएल डिवाइड बाय एल, ये इंडक्टर है बच्चों, ये रेजिस्टेंस है मतलब रिएक्टेंस ऑफ, ये रिएक्टेंस है इंडक्टर का, रिएक्टेंस मतलब रेजिस्टेंस, तो ओमेगा इज इक्वल टू एक्सएल की वैल्यू मेरे पास 1 और इसकी है 10^-3, ये ऊपर जाने के बाद होगा प्लस 3 मतलब होता है 1000, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछा है तो हर्ज में लिखेंगे हम लोग, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या, हाँ एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके, लेकिन यहां पे कोई यूनिट नहीं दिया था, 1000 ही वैल्यूज दी है। नेक्स्ट 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन रीड कर रहा हूं, द रिएक्टेंस ऑफ द कॉइल इज 10 ओम, ओके, कितना है 10 ओम है, एंड रेजिस्टेंस इज 10 ओम, मतलब इंडक्टर का रेजिस्टेंस 10 ओम, एंड रेजिस्टेंस बी वो भी 10 ओम ही दिया है, इज कनेक्टेड टू एसी सोर्स ऑफ ईएमएफ, एक एसी सोर्स लगाया है और उसका ईएमएफ दिया वाला है 220 वोल्ट, द पीक वैल्यू ऑफ द करंट ऑफ द सर्किट इज, मतलब उन्होंने यहां पे एक ऐसा इंडक्टर्स लगाया है, बाद में रेजिस्टेंस लगाया है और बाद में यहां पे एक ईएमएफ लगा के यहां पे 220 वैल्यू दिया है, इसकी 10 ओम है और इसकी भी 10 ओम है, तो यहां पे करंट की पीक वैल्यू हम लोगों को यहां पे फाइंड करना है, ओके, समझ में आ रहा है बच्चों आप लोगों को, और यहां पे ये तो दिया है, इसको वी भी बोल सकते हैं स्पीड, तो हम इंपीडेंस निकालेंगे, ये आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, क्यों एक्सी नहीं है ना, यहां पे कैपेसिटर कहां है, यहां पे तो यही इंपीडेंस निकालेगा फार्मूला, ये 10 का स्क्वायर 100 और इसकी भी वैल्यू 10 है, इसका भी 100, तो रूट ऑफ 200 मतलब 10 रूट ऑफ 2, समझ में आ रहा है, 10 का स्क्वायर 100 मल्टीप्लाई टू 200 होगा, ओके, समझ में तो आ रहा है हम लोगों को, तो यहां पे हम लोगों को निकालना है VO निकालना पड़ेगा, VO इज इक्वल टू V रूट ऑफ 2, क्यों पता है ना, E R M S is equal to E naught root of 2 था, तो E naught निकाल रहे तो क्या करूंगी, E R M S multiply 2, ऐसे तो कर रहा हूं, देखो E R M S मतलब V लिखा है root of 2, V की वैल्यू मुझे पता है 220 root of 2 है, ये वोल्ट में ये वैल्यू मिल रही है, अब मुझे निकालना I naught, तो V naught upon R लिखेंगे या Z बोलेंगे आप, हमारे पास Z है ना टोटल, तो मेरे पास V नॉट की वैल्यू है 220 रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय जेड, जेड की वैल्यू मेरे पास 10 रूट ऑफ 2, तो रूट ऑफ कैंसल, 0 0 कैंसल,
22 एम्पियर इतनी पीक वैल्यू मिल रही है मुझे करंट की यहाँ पे। तो होप है बच्चों की ये सभी वीडियो मेरा आपको पसंद आया होगा, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करने के लिए मेरे तरफ से आपको बेस्ट लगे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।